नमस्कार, आप देख रहे हैं जियो बी न्यूज। तो चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं आज के मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस न्यूज के तहत सभी बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरें जो आपको जाननी बेहद जरूरी है। तो दोस्तों, खबरों की शुरुआत करने से पहले आपको बता दें कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल जियो बी न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जियो बी न्यूज को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके पास में बने बेल आइकन को दबाइए और ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए ताकि हर खबर की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। तो खबरों की शुरुआत करते हैं और बढ़ते हैं और जानते हैं आज दिन भर क्या बड़ी खबरें रहने वाली हैं। तो आईफोन में खामी का पता लगाने पर एप्पल देगा आपको 7 करोड़ रुपए। एप्पल INC द्वारा आईफोन्स में खामियों का पता लगाने के लिए साइबर सिक्योरिटी रिसर्च को लगभग $1 मिलियन यानी कि लगभग 7 करोड़ रुपए का ऑफर किया जा रहा है। हैकर्स से बचने के लिए किसी भी कंपनी द्वारा ऑफर किया गया ये सबसे बड़ा रिवॉर्ड है। ये ऑफर ऐसे समय में आया है जब सरकारों द्वारा पत्रकारों और मानवाधिकार के अधिवक्ताओं के मोबाइल डिवाइसेस में सेंध किए जाने की घटनाएं बढ़ रही हैं। तो अगली खबर है, बिहार के 2 स्टूडेंट्स का जलवा, माइक्रोसॉफ्ट ने दिया 43 लाख का सैलरी पैकेज। बिहार के 2 स्टूडेंट्स कनिष्का और अमन कुमार को माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने 43.30 लाख रुपए का पैकेज ऑफर किया है। आइए जानते हैं दोनों किस कोर्स के छात्र हैं और कहां से इन लोगों ने पढ़ाई की है। दोनों नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जमशेदपुर NIT के छात्र हैं। इंस्टीट्यूट की प्लेसमेंट में दोनों को अब तक का सबसे अधिक सैलरी पैकेज मिला है। इससे पहले किसी भी छात्र को इतने रुपए का पैकेज ऑफर नहीं किया गया है। बता दें कि अमन कुमार पटना के रहने वाले हैं और कनिष्का बक्सर से हैं। दोनों ने NIT जमशेदपुर से कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरिंग CSE की पढ़ाई की है। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार NIT के जमशेदपुर प्लेसमेंट एंड ट्रेनिंग विंग के प्रोफेसर इंचार्ज डॉक्टर प्रहलाद प्रसाद ने कहा कि इस साल के कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव के 9वें दिन माइक्रोसॉफ्ट ने उन्हें ये ऑफर दिया है। पिछले साल माइक्रोसॉफ्ट ने सुयश श्रीवास्तव को 42.02 लाख रुपए के सालाना पैकेज के लिए चुना था। अगली बड़ी खबर है, कश्मीर में अमन के उजाले में ईद मनाने की तैयारी। प्रशासन ने 100 से ज्यादा जगह बांटे सामान। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में धारा 144 लागू है। वहीं ईद के मद्देनजर प्रशासन वहां जरूरी सामान मुहैया करवा रहा है। कश्मीर के DC वसीर अहमद खान के मुताबिक ईद पर जरूरी सामान मुहैया कराने के लिए कई टीमें तैनात की गई हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि घाटी में अभी तक कोई भी अप्रिय घटना नहीं हुई है। अगली बड़ी खबर है, ICU में भर्ती जेटली की हालत स्थिर बताई जा रही है। PM मोदी समेत कई नेता एम्स में पहुंचे हैं। नरेंद्र मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में वित्त मंत्री रहे अरुण जेटली को दिल्ली के एम्स में भर्ती कराया गया। सुबह के 11 बजे अरुण जेटली को चेकअप के लिए एम्स में भर्ती कराया गया। अभी उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। अगली बड़ी खबर है, 21 साल बाद गांधी परिवार के बाहर का नेता कांग्रेस का अध्यक्ष बनेगा। आज CWC की बैठक में ये फैसला संभव हो सकता है। CWC की बैठक से पहले शुक्रवार को सोनिया गांधी के आवास पर बैठक हुई। सूत्रों के मुताबिक फिलहाल अंतरिम अध्यक्ष चुना जाएगा। एक बात तय है कि 21 साल बाद कांग्रेस में गांधी परिवार के बाहर का कोई नेता पार्टी का अध्यक्ष बनेगा। अगली बड़ी खबर है, अयोध्या पर हफ्ते में 5 दिन की होगी सुनवाई। मुस्लिम पक्ष का ऐतराज सुप्रीम कोर्ट ने नामंजूर किया। दरअसल गुरुवार को कोर्ट ने ये तय किया था कि वो हफ्ते में 3 की बजाय 5 दिन अयोध्या मामले की सुनवाई करेगा। इस पर आज 2 मुस्लिम पक्षकारों के वकील राजीव धवन ने आपत्ति जताई और कहा कि इससे उन्हें केस की पूरी तैयारी करने का वक्त नहीं मिलेगा। धारा 370 पर कांग्रेस में अलग अलग सुर। पार्टी की सुप्रीम कोर्ट यूनिट भी मोदी सरकार के फैसले के साथ। अनुच्छेद 370 पर कांग्रेस पार्टी में अलग अलग राय उभर कर सामने आ रही है। पार्टी की लीगल सेल ने भी जम्मू कश्मीर को लेकर मोदी सरकार के फैसले का स्वागत किया है। कांग्रेस पार्टी की सुप्रीम कोर्ट
ह्यूमन राइट और आरटीआई यूनिट ने एक प्रेस नोट जारी कर जम्मू कश्मीर पर मोदी सरकार के फैसलों का समर्थन किया है। पार्टी की इस यूनिट के अध्यक्ष अनूप जॉर्ज चौधरी के हस्ताक्षर युक्त इस प्रेस नोट में कहा गया है कि अनुच्छेद 370 एक अस्थायी प्रावधान था और इसे हटाकर केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर का सही मायनों में भारत के साथ विलय कर दिया है। वहीं कांग्रेस पार्टी की सुप्रीम कोर्ट यूनिट ने अनुच्छेद 35A और राज्य को दो हिस्सों में बांटने के फैसले का भी समर्थन किया है। कांग्रेस पार्टी की इस यूनिट का मानना है कि राज्य को दो हिस्सों में बांटने से राजनीतिक शक्तियों का सही रूप से बंटवारा हो सकेगा, जो वहां की जनता के हित में है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए आप जीओबी न्यूज को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन बेल दबाकर खबरों की जानकारी आप सही समय पर पाई। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने पर क्या आप खुश हैं? तो अपना समर्थन जाहिर करने के लिए कमेंट में #article370 लिखकर समर्थन जाहिर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो को शेयर करना ना भूलें।